चलते हैं हम आगे की राउंड की ओर। इससे पहले हमारे बीच जैसे शख्सियत आए हैं जो हमारे किन्नौर की संस्कृति, हिमाचल की संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं, उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। गुरुब्री के लिए गुरुब्री व्याकरण मुझे शुद्ध करना पड़ेगा, नाम लेने में दिक्कत होती है। बहुत अच्छा, तो आइए ग्राम समाज के द्वारा ऐसे शख्सियत को जो हिमाचल में, हमारे हिमाचल की संस्कृति, हमारे किन्नौर की संस्कृति को ये लेकर आ रहे हैं, गुरुब्री बहुत बेहतरीन, बहुत आर्टिस्ट, बहुत बेहतरीन कलाकार। आप देखते होंगे बहुत सारे एल्बमों में इन्होंने काम किया है। जन्मोपति है, जन्मो देवी है, जन्मोपति के एल्बम में भी इन्होंने काम किया है। विशाल नेगी अपनी सिलवाई बैठेंगे, विशाल नेगी, शीतल नेगी, बबली नेगी, अनुराग नेगी, सिमरन मारिया, सुमित नेगी, राजेश नेगी, जीता सुख, अरविंदर, नवीन, जगमोहन, गोपी, किशोरी लाल और निखिल और अमित नेगी। उड़ान समाज सेवा का एक कार्यक्रम है। मैं सभी किन्नौर वासियों को, सभी किन्नौर वासियों को और संगीत से जुड़े जितने भी आर्टिस्ट है और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं यहाँ के द्वारा एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जो भी अतिथि आते हैं उनकी अपनी बातें हो सकती है, जो भी अतिथि आ रहे हैं हमारे किन्नौर को लेकर, गीत संगीत को लेकर अपनी बातें आपके बीच में रख रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक हमारे जो किन्नौर के कलाकार आदरणीय हैं श्री बीरबल किन्नौर के ऊपर टिप्पणी की, ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन इस मंच की कोई निजी राय नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मनोरंजन के लिए गाने होते हैं, किन्नौर के अंदर में कोई सेंसर बोर्ड नहीं बना है। फिल्मी गाने भी ऐसे बहुत सारे, मैंने कहा आपको कि तम्मा तम्मा या चुम्मा चुम्मा लोगे या फिर गोगरी घाघरे के पीछे क्या है, ऐसे कई गाने हैं। लेकिन जब किन्नौर के अंदर में कोई हमारे ही जो कलाकार गाते हैं तो टिप्पणियाँ आती है, तो आ रही है, तो उस पर आपको खुद को जानना है क्यों टिप्पणियाँ आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्यों आ रहा है। तो ये हमारी इस मंच के द्वारा कोई नहीं है, ये हम क्लियरली कह रहे हैं कि किन्नौर के जितने भी इस एपिसोड को देख रहे होंगे, इस मंच का किसी को आघात पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी कलाकार का जो है कला के प्रति कहना, यहाँ पर हमारा कोई भी दायित्व नहीं बनता है। अतिथि आए हैं, अतिथि ने अपने निजी बयान में कहा है, वो उनके बारे में उनकी प्रतिक्रिया उनकी रहेगी। तो चलिए आगे जाते हैं, किन्नौरी चॉइस राउंड है। ये पहले वाले बीट से हटकर बीट का होगा, पर किन्नौरी ट्रेडिशनली होगा लेकिन बीट अलग से होगा, मीडियम बीट ले सकते हैं। तो चलिए आइए, विशाल नेगी जी आपका स्वागत है। Yeah, how do you feel?
बहुत ही
बहुत प्यारा और जो छोटी छोटी आवाज थी ना और एग्जैक्ट सुर में थी बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम होता है और आपकी आवाज बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट आवाज है आपकी, बहुत अच्छा गाते हो आप। इस राउंड में आपने बहुत अच्छा गाया और नेक्स्ट राउंड में इससे अच्छा गा रहे नामों से जाना जाएगा भविष्य में आपको। तो चलिए आइए मिलते हैं बबली, बबली ने लीजिए। Thank you.
सुर कम करके दो ना इनको, एक नोट थोड़ा कम कर दो। सबसे पहले जो भी कलाकार है, मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ,
स्टेज छोटा है, हार्मिंग होता है और वॉल्यूम हम कम नहीं कर सकते। आपको जहाँ हार्मिंग हो रही है स्पीकर, आप पीछे म्यूजिशियन को देख रहे हैं, आपका माइक भी ऑन है, हार्मिंग होगा, तो ध्यान दीजिए। आपके पास बटन है, पहले या तो ऑफ करें, पीछे देख रहे हैं, छोटी छोटी बारीकियों को देखिए, छोटी छोटी बारीकियों को देखिए। अभी किसी प्रकार का हार्मिंग नहीं है। कारण क्या है, एक तो आप ऊपर से पकड़ते हो इससे हार्मिंग होती है, आपको ये पकड़ना बीच का, पीछे देखते समय माइक जो है स्पीकरों के सामने ना हो। विशाल जी को देखा जब हार्मिंग हुआ तो उन्होंने कैसे संभाला था अपने आप को, तो ये खुद अपने आप को समझना कहाँ मुझे हार्मिंग हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। और क्योंकि हम सबको साउंड छेड़ नहीं सकते, सबका इक्वली वॉइस रखना पड़ता है, किसी का हमने अप डाउन कर दिया तो कल को फिर आवाज उठती है। हम बराबर स्केल रखते हैं, छोटा हो बड़ा हो, हाथ बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि ये राउंड चल रहा है सेमीफाइनल, तो किसी को बिगाड़ नहीं सकते, किसी को ठीक नहीं करते। मास्टर वॉल्यूम थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर ढोलक के कुछ ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको हम कर सकते हैं, लेकिन उनके वोकल को हम छेड़ नहीं कर सकते, एक बराबर सबके लिए। तो आइए इसके बाद आते हैं। जी बिल्कुल सर, सिर्फ एक स्केल का थोड़ा ध्यान दीजिए ना, स्केल आने से पहले प्रॉपर आपका सुर मैच कर लीजिए, उससे पहले मत गाइए, आपको ही फायदा नहीं होगा, उसमें आपको ही लॉस होगा। आराम से पूरा टाइम लीजिए, कोई यहाँ पे आपको 5-6 मिनट दिया नहीं, आप आराम से गाइए पूरा मैच करके। बबली जी के बाद हमारे बीच में आ रहे हैं अनुराग जी। अनुराग जी आप देखिए, बात करते मैं ऐसे जा रहा हूँ तो हार्मिंग नहीं हो रही है, मैं गया नहीं हूँ, यहीं पर ही हूँ। ये पकड़ने का तरीका आप लोगों को जानना है, और यहाँ से हिले नहीं, पीछे अगर देखना है तो ओके। बहुत अच्छा अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा राग लगाया है, और समय सीमा हमारे पास इतना नहीं है, हम थोड़ा स्पीड मारते हैं। तो इसके बाद सिमरन मारिया, सिमरन मारिया जी आपका स्वागत है। तो आप चेक कीजिए कहां से आपने गाना, यही रहेगा, झुकना नहीं है, ठीक है। Thank you.
क्यों किया ऐसा गाना खत्म करने से पहले? ऐसे बढ़िया गाया, बस थोड़ा सा टेस्ट आना इस दिन किनोरी वाला टेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना? बाकी ठीक गाया, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, नेक्स्ट अच्छा करना इसे, ठीक है? हेलो, इसके बाद आएंगे सुमित। सुमित का मतलब बहुत अच्छा मित्र। तो देखिए मैं नीचे नहीं गया, कोई हार्मिक नहीं होगी, टेक्निकल चीजों को समझना है, पीछे अगर आपने बात करना, ठीक है? ये सामने अर्थिंग होता है, इधर से ना पकड़ा करें, ध्यान दीजिए, ये सामने पीछे से रखा करें, ठीक है? तो चलिए आइए सुमित जी। सुमित जी सर, आप उसके प्रॉब्लम नहीं होता है। उसे पाना तो नहीं किस्मत में,
उसे पाना तो नहीं किस्मत में, फिर भी उसके लिए इस दिल में चाहत क्यों है। तो आइए बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट राजेश्वरी जी। राजेश्वरी जी, पति जी साथ है, कहीं नहीं जाएंगे, शर्माना नहीं है, ठीक है, यहीं रहना है, यहाँ से हिलना नहीं है बिल्कुल भी, पैरिस की पूछ कराओ। Thank you.
बहुत खूब। सच में बताओ, इस परफॉर्मेंस पे हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम जज कर रहे हैं। सर मैं एक चीज करना चाहूंगा आपके छोटे इंसान होने के नाते, प्रॉम्प्ट ही खड़े हुए आज तक मैंने इतने किनारी फोक सिंगर्स पर, मतलब जो ये चीज है स्केल कौन सा है भगवान गाओ सुना
Thank you.
आपका देख लिया ये लीड देखते इनका इनका लीड देखो ये वाले कौन सी लीड है ये लीड देखते हो Thank you.
रवि बहुत बढ़िया गाया, आवाज भी ऐसी आपकी प्यारी सी है ना। थैंक यू, बस सीखो ठीक है, सीखो हमसे भी सीखो और उसे भी सीखो, टच में रहो, सिखाएंगे ठीक है। बहुत बढ़िया गाया, आगे अच्छा करो। देखो यहाँ पे हम लोग ये कैसा मंच उभर गया है जहाँ पे हम सबको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। देखो है ना, हमको भी मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों से, आप लोगों ने भी कुछ सीखे ही जाना है ना। कुछ भी कोई भी कुछ बोलता है हमेशा पॉजिटिव वे में लेके उसको सीखना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, बहुत अच्छा बात है। थैंक यू। बहुत अच्छा। अब आइए जगमोहन जी, जगमोहन भोली।
बच रहा है बहुत
ठीक है, आप सुर से बाहर हो गया। नेक्स्ट राउंड में ध्यान रखना थोड़ा सुर पे, सुर में नहीं जाना, सुर में रहना, ठीक है। बहुत अच्छा, आइए इसके बाद निखिल जी। निखिल दिल खुश कर दिया आपने, ठीक है।
बहुत अच्छा निखिल अब खेल रहा है और मुझे लगता है यहाँ पर दो नाम है ऐसे है, अब दोनों है अखिल और निखिल, कह रहे हो दोनों में से कौन खेलता है, नाम कुछ है दोनों का मिलता जुलता है, निखिल अखिल खेलेगा कौन ये तो कल पता चलेगा। तो चलिए आगे आते हैं आमिर नेगी जी। सिलेक्शन ठीक था, ठीक है, और निभाया भी काफी हद तक बढ़िया निभाया, बस वही चीज जो मैं पहले बोल रहा था लास्ट में जब छोड़ना है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से, है ना, बाकी बहुत अच्छा है, नेक्स्ट राउंड में बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है, बाकी बहुत अच्छा गाया, ठीक है। टेक्निकल चीजें मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, किन्नौर के अंदर में मैंने बहुत सारे कलाकारों को देखा है, एक चीज का ध्यान देना है, आप सिंगर हो, बहुत सारे लोगों को देखा बस म्यूजिशियन के पास जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं, म्यूजिशियन खुद उठाएगा ना, वो इसलिए तो म्यूजिशियन बना है, ढोल वाले अपना काम करेंगे, गिटारिस्ट अपना काम करेंगे, उनका काम अपना है, आप यहाँ से उठाइए, हमारे आदरणीय वरिष्ठ कलाकार ने पीछे देखा, लेकिन गाते हुए सिर्फ मजा लेते हो, लेकिन वो वहाँ नहीं गए। कोशिश कीजिए आप जहां तक हो म्यूजिशियन वगैरह से टच से दूर रहिए,
आपके अंदर में जो अपना स्केल है ये खुद अपने आप सेट कर लेंगे, आपको गाते रहना है, उलझना नहीं है। पूरे किन्नौर के अंदर में तकरीबन देखता हूँ समझ नहीं लगता है, चाहे पीओ लगी होगा, कैमरा लगा होता है, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं लगता, फिर वहां जाते हैं समझाने लगते हैं, वो खुद पकड़ लेंगे, आपको घबराना नहीं है। तो अपना दो तीन कमियां है दूर करने की कोशिश कीजिए। आप स्टेज में आपके पास भरपूर, आप लोग पूरी जितने भी किन्नौरी नाइट होता है या किन्नौरी कल्चर होता है पूरी रात निकालते हो, बहुत अच्छा निकालते हो, लेकिन जब भी आप स्टेज में जाते हो वहां पर इन्हीं कमियों को देखा जाता है। अब बताने क्यों जाते हो बार बार म्यूजिशियन के पास, बार बार जाते रहते हो, इन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, अपने आप ही गाना उठाने की कोशिश करिए, अपने आप ही बदलने की कोशिश कीजिए। जो आपने ट्रैक पकड़ा है फास्ट तो फास्ट है, हाँ उसके बाद आपने स्लो में जाना है, तब आप जाइए कि मुझे इसको ट्रैक को चेंज करना है, तब आपके वहां जाइए। तीन चीजों का ध्यान रखें, जिस दिन आपको टेक्निकल भाषा का भी पता लग गया उस दिन आप पूरा क्या पूरा हिमाचल को हिला देंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए आप लोगों का बहुत आभार। अखिल है, अखिल अखिल नहीं है। तो चलिए हमारा ये सेकेंड राउंड खत्म हो गया, 5-10 मिनट का ब्रेक रखते हैं, उसके बाद अंतिम राउंड होगा, चॉइस राउंड शायद, क्या है सर? दो भी उठ के मत जाओ प्लीज, मल्टी टैलेंट राउंड होगा, आप जो भी गा सकते हैं हिमाचली में, पहाड़ी, पंजाबी, हिंदी, तो ध्यान दीजिएगा इनका किन्नौर चलेगा, कोई भी उठ के ना जाए प्लीज, आपने खाने का इंतजाम किया है, ये कॉलोनी परिसर है इसलिए बाहर जो है ज्यादा ना जाए और शोर शराबा ना करे, ये यहाँ की समय सीमा एक पाबंद रहती है, बिजली बोर्ड का आभार करते हैं जो इस प्रकार का आयोजन के लिए इन्होंने यहाँ पर हॉल बनाया है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। लिपा आचो जी कैसा लगा? ठीक लग रहा है।